जीत कुमार सिंह, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। तो आज आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है, आलोक कुमार सिंह, जिसमें उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, तो ग्रेडिंग सिस्टम के लिए उन्होंने बात किया है। तो इनकी फाइल तो कुछ और है, क्योंकि डेटा हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो हमने एक सैम्पल डेटा बनाया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे नेम है, यहाँ पे उनके सब्जेक्ट के नंबर्स हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। अब उनका कहना है कि 35 से 40 पे पासिंग है, पासिंग मार्क्स 40 होना चाहिए। और बोलते कि उनके पास ग्रेसिंग के लिए, मतलब ग्रेस नंबर देने के लिए 5 नंबर्स उनके पास होते हैं, जो कि एक सब्जेक्ट में या डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में दे सकते हैं कंट्रीब्यूट करके। जैसे कि अगर किसी ने 35 से 40 के बीच में हुआ, तो उसको 5 नंबर दे के उसको पास करके प्रमोट कर सकते। जैसे यहाँ पे देखिए 36 नंबर है, तो 4 नंबर दे के प्रमोट कर दिया गया। और फिर यहाँ पे तीसरे सब्जेक्ट में 40 नंबर था, तो 1 नंबर देके इनको पास कर दिया गया। टोटल में कितना दिया गया, 5 ग्रेडिंग नंबर दिया गया। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, चलिए इसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि हम अपने यूट्यूब पे तकरीबन 2500 से ऊपर वीडियोज अपलोड कर रखे हैं। बस यूट्यूब पे सर्च कीजिए आईपीटी इंडिया, आपको मेरे चैनल के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको और भी मेरे वीडियोज का लिंक आता रहेगा, अपडेट आता रहेगा। या फिर आप मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके डेमो क्लास का फॉर्म भर दें, या मुझे कॉल करें, या व्हाट्सएप करें, या स्काइप करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला देखिए, मैं यहां फॉर्मूला लगा कि इफ ए, इसमें एंड का सारी कंडीशन है, तो एंड लगाना पड़ेगा। एंड अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड कॉमा, इसको सिलेक्ट किया, और लेस देन इक्वल टू 40 है, 40 नहीं, लेस देन इक्वल ही करना पड़ेगा, लेस देन करना, ये 40 में तो पास ही है। ऐसा है तो 40 माइनस इसको कर दीजिए, जितना मिलेगा उतना कर दे, अदरवाइज जीरो कर दे। अब ध्यान से देखिए हमने फॉर्मूला क्या लगाया, हमने लगाया कि B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन बी, दो सब्जेक्ट दिया कि लेस देन 40 और ग्रेटर देन 35 और लेस देन 40 हुआ, तो 40 माइनस B2 जितना जरूरत है उतना डाल, तो रिजल्ट आ गया। लेकिन दूसरे मार्क ग्रेशन में हमने देखिए फॉर्मूला क्या लगाया, हमने लगाया कि एंड मैंने लेस देन ग्रेटर देन 35 एंड 40 लिख दिया कि 35 से बड़ा और 40 से छोटा होना चाहिए। फिर हमने बोला कि जो जितना दे चुका है सम, मतलब कि इससे पहले वाले सब्जेक्ट में जितना दे चुका है उसका सम लेस देन 5 है, मतलब कि कुछ बचा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहीं से बाहर आ जाएगा, क्योंकि एंड है, एक भी फॉल्स हुआ तो निपट जाएगा, तो बाहर आ जाएगा सर। फिर हमने बोला कि सम प्लस, सम को प्लस करो और जितना रिक्वायर है, जैसे कि C2 प्लस 40 माइनस E2, जितना जरूरत चाहिए पास होने के लिए, अगर उसका सम लेस देन इक्वल टू 5 है तो ठीक है, अदरवाइज फॉल्स होगा, स्किप हो जाएगा। अगर ये सारे कंडीशन मैच हुए तो 40 माइनस E2 कर दे, अदरवाइज जीरो कर दे। तो अब बाकियों में, अब इसमें अगला तीसरे में हम क्या कि हर फॉर्मूला अलग अलग होगा। तीसरे हमने बोला यहाँ पे सब कुछ सेम होगा, सम में जो हमने एक सम दिया हुआ था एक एक सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट दिया कि C2 में सब्जेक्ट 1 एंड G2 में सब्जेक्ट 2 का ग्रेसिंग मार्क, उन दोनों का प्लस अगर लेस देन 5 है तो, क्योंकि हम 5 दे चुके हैं कि नहीं दे चुके हैं, तो ठीक है, अदरवाइज ना करें। फिर हमने बोला कि C2 प्लस F2, मतलब जो हमने जितना ग्रेसिंग दे चुके हैं प्लस जितना हमें रिक्वायर है इस सब्जेक्ट के लिए, अगर वो अगर 5 से कम है तो फिर दीजिए, अदरवाइज स्किप हो जाएगा, जीरो शो कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका 1 आ गया, 1 आने के बाद एक पास हो जाएगा, और बाकी सब फॉर्मूला सेम ही, बस हम यहाँ पे सम में अपने सब्जेक्ट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इसमें अगर C2 F2, यहाँ पे C2 हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, एक मिनट,
यहाँ पे सी टू एफ टू एल टू, टू होना चाहिए। यहां पे हमारा गैसीय मार्ग में क्या हो गया, ये आपका सी टू एफ टू एन एल टू, चार सब्जेक्ट है, चार दे दिया, एल टू दो बार हो गया, सी टू एफ 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 टू सी टू एफ टू एल टू नहीं, ये होना चाहिए था आई टू एल टू, तो ये हमारा परफेक्टिव। अब मैं इनको मेल कर देता हूँ ताकि ये अपना ये कर लें, और आप लोगों को कोई भी इस तरह क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेल कर सकते हैं, मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, और आप चाहो तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन एक चीज के लिए नाराज मत होइएगा, क्योंकि मैं तुरंत मेल का जवाब नहीं दे, फोन का जवाब व्हाट्सएप का जवाब तो मैं तुरंत दे देता हूँ, बट मेल का जवाब मैं तुरंत नहीं दे पाता हूँ। इसका रीजन ये है कि मेरे पास तकरीबन 46,000 से ऊपर सब्सक्राइबर है, और वो मुझे डेली बेसिस पे मुझे 1500, 2000, 3000 मेल्स करते हैं सारे सब्सक्राइबर्स, तो सारे सब्सक्राइबर्स को रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ और भी क्लासेस भी होती है हमारे पास, तो इसलिए प्लीज राज बोल दीजिएगा, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, फिर हम आपको रिप्लाई कर देंगे टाइम लगा।